मैम, कोई बंटी आपसे मिलने आया है। Are you mad? इतनी रात को मेरे घर आए हो? जाओ यहाँ से, कल बात करेंगे। ऐसे कैसे? जो वादा किया वो तो निभाना ही पड़ेगा ना। क्या बकवास कर रहे हो? अरे आपने तो कहा था ना कि आप मुझे पैसे देंगी। जब हम नहीं भूले तो आप कैसे भूल सकती हैं? मानती है ना? प्लीज अभी यहाँ से जाओ मेरे पति यार, कल पैसे दे दूंगी। ओके जाओ यहाँ से। हेलो, मैं आ रही हूँ। इतनी रात को शबनम कहाँ चली गई? शबनम, ये इतनी रात को कहाँ जा रही है? अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है। तुम खैरियत से हो ना? हाँ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये तो होना ही था मामू, पर अफसोस मुझे इस बात का है कि उस डीडी पटेल की बेटी रोशनी पटेल बच गई। खैर, बहुत जल्द मैं उस घर में वापस जाने की सुरंग ढूंढ ही लूंगी। वैसे उस घर में जाने की एक सुरंग है, और वो सुरंग बनाने में वो बुढ़िया मेरी मदद करेगी। उस बुढ़िया के लक्षण देख लिए हैं, मैं उसी के गुस्से को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी और उस डीडी पटेल के घर वापस पहुंच जाऊंगी। वो बुढ़िया मुझे जितनी चोट पहुंचाएगी, मैं उतना ही डीडी पटेल के घर के करीब पहुंचती जाऊंगी। डीडी पटेल अगर सांप है तो वो बुढ़िया सीढ़ी, और पासा फेंकूंगी मैं। इतनी रात को दरगाह में क्यों आई? शबनम, आप यहाँ? वही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? वो दम घुट रहा था मेरा, घर पे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। जब भी मेरा दिल भारी होता है तो मैं यहाँ खुदा के दर पर चली आती हूँ। इनके यहाँ का दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है, कोई वक्त थोड़ी ना देखते हैं यहाँ आने से पहले। अरे क्या हुआ? वो बस थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी। क्या आप अपने हाथ का सहारा दे सकते हैं चलने के? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, श्योर। चलो